दोस्तों आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पत्ता गोभी। आलू और पत्ता गोभी की ये सब्जी गांव के स्टाइल में हम बना के दिखाएंगे आपको, जो कि लगती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। हमने ऊपर के पत्ते जो पुराने थे वो निकाल दिए हैं, अब इसकी करनी है कटिंग। इसको काटने के कई तरीके हैं, आप इसे गिलास से भी काट सकते हैं या फिर आप चाकू से। तो मैं चाकू से काट रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे साइज़ में इसे काटना है। बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का और एकदम घर के मसालों में बना के दिखाऊंगा लाजवाब रेसिपी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसे कटिंग करना है पत्ता गोभी को। तो सारी मैं काट लेता हूँ और चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इसकी। अभी एक पत्ता गोभी मैंने धो के साफ़ कर लिया अच्छे से, आप देख सकते हैं कटिंग भी मैंने लंबे साइज़ में और पतले साइज़ में की हुई है। अब ऐसे ही हमें प्याज भी काटना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे जीरा तेल में, और जीरे के बाद इसमें हम डाल रहे हैं धनिया, सूखा धनिया है ये। इनको चटकने देते हैं। और यहाँ पे देखिए लहसुन मैंने काट लिया है, लहसुन ऐड कर देंगे इसमें। और ये कड़ी पत्ता मैंने लिया हुआ है एकदम फ्रेश, तो पूरा का पूरा मैंने एक कड़ी पत्ता डाल दिया इसमें। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा हींग। अब मैं आपको प्याज दिखाता हूँ। हींग डालने के बाद इसमें प्याज ऐड करना है, लेकिन आपको मैं प्याज देखिए इस तरीके से काटना है आपको, लच्छेदार प्याज, और हाथ से उसे लेयर को अलग अलग कर लेना है इस तरीके से। इसको भी डाल के हम फ्राई करेंगे हल्का सा। और यहाँ हरी मिर्च काटी हुई है, तो हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम पत्ता गोभी इसमें ऐड करेंगे, और पत्ता गोभी भी इसके साथ फ्राई होती रहेगी। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ पे टमाटर भी मैंने स्लाइसेस में काटे हुए हैं, तो टमाटर भी ऐड कर देते हैं इसमें। पत्ता गोभी बनाने का ये तरीका बरेली उत्तर प्रदेश का है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोग पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये तरीका अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी सब्ज़ी आपको। तो आप पत्ता गोभी भी ऐड कर देते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं, तो इसी के जो पानी निकलेगा पत्ता गोभी का, उसी से सब्ज़ी पकेगी। लेकिन खड़े मसाले हम अभी नहीं डालेंगे कोई मसाला। अभी इसे ऐसे ही होने देते हैं, एक बार चला देते हैं और फिर ढक के पकाएंगे। आलू डाल देते हैं इसमें, आलू भी मैंने स्लाइसेस में काटे हुए हैं। अब इसे ढक देते हैं और दो मिनट के बाद देखेंगे इसे। तो दो मिनट हो चुके हैं, एक बार चला लेते हैं इसको। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका साइज़ कम होता जाएगा। तो अब वापस से ढक देंगे और अब इसे पकने देंगे कम से कम 3 मिनट तक। तो यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं और आलू हल्के हल्के गलने लगे हैं। तो अब बारी है इसमें ऐड करने की सूखे मसाले। तो देखिए इसका पानी भी सूख रहा है। तो सूखे मसाले में सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ में ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। और नमक आपको ले लेना है स्वाद के अनुसार, जैसा भी आप डालना पसंद करें। तो नमक हम स्वाद के अनुसार डाल लेते हैं। अब इसे 2 मिनट तक हम मसालों के साथ पकाएंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने के पूरे प्रोसेस में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और आगे भी हम नहीं करेंगे। ये सब्ज़ी सूखी बनती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो ढक देते हैं इसे और 2 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है, आलू भी गल चुके हैं। इसमें डाल लेते हैं हरा धनिया और सब्ज़ी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। पत्ता गोभी और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अगर सिंपल मसालों में बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्वाद आता है दोस्तों। तो कभी भी आप बनाइए, तो सिंपल मसाले जो कि हर घर में मौजूद होते हैं उससे ही बनाइए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी आपकी।